हाय फैमिली, स्वागत करते हैं आप सबका दीपक जैसा ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो फैमिली, आज दो दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा है, ये कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। सोच रहे हैं कि क्या शूट करें और क्या दिखाएं, क्योंकि जब से किट्टो का तबीयत थोड़ा सा दिल्ली में ख़राब हो गया ना, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अभी मैं आज भी गया था, एक जगह गया था, वहाँ पर कुछ दिखवाया तकवाया कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ वगैरह। तो जैसा भी है, अभी ये मैंने ब्लॉग देखा मीजी का, उसमें लगा कि अब किट्टो ठीक ठाक है। फिर रात को अचानक तबीयत ख़राब हो जा रहा है, फिर भी नए भाई गए हैं, मिलजुल के आए हैं, मतलब सब लोग वहाँ पहुँचे हुए लेकिन हम नहीं पहुँचे हैं। तो मैं तो जानते हैं कि मैं हमेशा खुशी में पहुँचता हूँ और दुख में पहुँचता हूँ, लेकिन क्या करें, अभी मैं दिल्ली से होकर आया हूँ, नहीं पहुँच पाया हूँ। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी बहन जल्द से जल्द अच्छी और खुश हो जाए। तो इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना और दुआएं भी करना हमारी बहन के लिए कि हमारी बहन जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकल के घर पे पहुँचे और आप लोग के साथ जुड़े, आप लोग के साथ वीडियो अच्छे अच्छे लाती रहे। क्योंकि जब से उसका तबीयत ख़राब हुआ था गाइज ना, तो तब से मतलब भाभी जी ज़्यादा परेशान हो गई थी और भैया भी, क्योंकि मैंने रात को जब आया तो देखा भाभी कपड़ा वगैरह प्रेस कर रही थी और भैया भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि क्या हो गया। तो उससे कुछ बातें हुई थी, तो कुछ क्लिप है रात का, तो आप लोग को हम दिखाते हैं, शेयर करते हैं, बने रहेगा ब्लॉग के अंत तक और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो गाइस, कुछ क्लिप मैंने दिल्ली से भी बन्ना जी से मंगवाया है, तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे वीडियो के बीच में और लास्ट के अंत तक। तो बने रहेगा, आप लोग बिना स्किप करके वीडियो देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं उनसे भी ये कहेंगे कि यार आप लोग प्लीज़ जो रेड का बटन दिख रहा है ना, उसको आप लोग ब्लैक कर दो, क्योंकि ब्लैक करोगे तो हमारा नोटिफिकेशन जो रहेगा आपको पता चलता रहेगा कि दीपक भाई ने कौन सा वीडियो अपलोड किया है, सबसे पहले आप लोग को पहुँचेगा। इधर सो गई है और सुबह सुबह मतलब ज़्यादा जाग जाती है, तो दोपहर का टाइम हो रहा है तो सो रही है। आपको मैं कचित अब मछली देख रहे हैं, कार्तिक इधर जाग रहा है, मोबाइल देख रहा है। कार्तिक, दादी मिस कर रही है, सोचा दादी को आज उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा। दादी मिस कर रही है, बात किया था भाभी जी, इधर बैठी है अभी। तो ऐसा सुबह 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 जाती है ना कि हम इसके परेशान, इससे खाली तो खाना अपना कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। पापा जी इधर सोए हुए हैं, पापा का थोड़ा तबीयत सर्दी जुकाम से परेशान है। मौसम नहीं, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है गई और धूप भी काफ़ी है, आप लोग देख सकते हो। नज़ारा तो काफ़ी हमारे पीछे का बहुत अच्छा ही है, बैकग्राउंड अच्छा है, पूरा हरियाली, खेत वगैरह, बगल में स्कूल। शाम के मौसम में गई ना, मतलब शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, जब क्रिकेट वगैरह होते हैं। तो आप लोगों को गई दिखाते हैं जो कि क्लिप थोड़ी सी दिल्ली की है और कैसी है दिखाते हैं शायद आप लोग देख रहे हैं। इस टाइम हो रहे हैं 9:83 यहाँ हमारे घड़ी में। तो इधर भाभी जी कर रही हैं कपड़ा प्रेस, आप लोग देख सकते हो कपड़ा, देख सकते हो मेरा, क्योंकि मेरा ट्रिप भी आने वाला है। तो भाभी जी एकदम पूरा कपड़ा एकदम अप टू डेट का हमारा कर रही हैं और कितना मेहनत कर रही हैं एक देवर के लिए भाभी जी। अच्छा लगता है कि इतना प्यार करने वाली भौजी हो और इतना साथ भी देती है हमारी हर वीडियो में और वीडियो बनाने में, रील्स बनाने में। हमारी सोना पर इधर सो रही है और कार्तिक इधर सो गया है, क्योंकि रात का समय काफ़ी हो चुका है, सब बच्चे तभी तो टाइम मिला हमको प्रेस करने का। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, दिन बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था, तो स्वागत का फिर हम लग गए बताए। अच्छा, तो खाना क्या बनाया यार आज? खाना बनाया नेनुआ। तो गाइस, कितने लोगों को नेनुआ नहीं पता होगा, तो भाभी जी ने नेनुआ सब्जी बनाया हुआ है, चलते हैं खा पी लेते हैं। फिर हो सकता है जैसे जो गांव वाले होंगे पता होगा, जो शहर सिटी वाले हैं उन लोगों को बहुत कम पता होता है नेनुआ क्या होता है। हम तो नेनुआ ही जानते हैं, शहर में हम भी रहते थे, हमारे यहाँ भी नेनुआ। नहीं, आप तो बनारस से बिलोंग भी करती हो, तो गाइस आपको बता दें भाभी जी का मायका बनारस है, वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। और इधर हमारे कुछ भाई आ गए, अंकित भाई इधर और पंकज भाई इधर हैं। तो ये हमारे भैया हैं, आप लोग कहते हो भैया को आप वीडियो में लाया करो भाभी के साथ, थोड़ा सा आ जाओ ना, बैठ जाओ। कहते हैं कि आप लोग लाते नहीं हो भैया, कौन है कौन नहीं है, इतना कमेंट आता है। तो कुछ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक की, बाहर बिजी रहते हैं, घर में बिजी रहते हैं, हम लोग बिजी वाले हैं। तो आपको आज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी भाभी है, वो हमारे भैया हैं जो कि वाइफ उनकी है भाभी। सोना थोड़ा कपड़ा सही कर दो, ठंडी लग रही है क्योंकि बरसात आज बहुत हुआ है ना। अरे गर्मी की क्या ठंडी लग रही है, नहीं बरसात तो क्या बहुत हुआ है। नहीं, हाँ जी, घर में रहती पता नहीं चलता है क्या कि बारिश हो रही, क्या हो रही है पता चलता है कि उन्हें माये तो देखे पानी था। रात को बारिश हुई, फिर भोर में बारिश हुई, फिर शाम को बारिश हुई। अरे जितना
गर्मी। हाँ ये है कि बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है। ये अपना सूट प्रेस कर रही हो क्या? हाँ, सारा कुछ लीक है ना, गर्मी लगती है, गर्मी में इसलिए नहीं पहन रहे। तो गाइस ये हमारे भैया, ये भाभी जी, और आप लोग को आज दिखा दे रहा हूँ। बार बार मत पूछना कि भैया वीडियो में नहीं आते, भैया खाली नहीं रहते हैं। आपके डिमांड की वजह से इनको उठाया गया, सामने कैमरा में लाया गया, ये सो गए थे। देख सकते हैं कि आंखें भी कितनी, अभी आंखों में देखिए कितना आगे अब तो कभी चमक रहा है। ठीक है। हाँ लेके आ जाओ आप, वो भर गया ना। हाँ बिल्कुल लेके आइए आप। तो तुमको नहीं मिलेगी, बीमारी वाली चीजें मिलेगी खाने को, खा लो। मैं भी कुछ खा लेता हूँ, 8:30 बजे रात के दोस्तों। खाने लेकिन बाकी सबको हमने भेज दिया, सुबह से सब परेशान थे। मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, के साथ साथ दुआ का भी काम चल रहा है, तो नज़र भी फूका जा रहा है यहाँ से। हमारे गांव में बोलते हैं नज़र भी उतरवार लेना चाहिए, कभी कभी नज़र भी लग जाती है। गए थे सामान लेने, चाय लेके आए, वो लेके आए, पता ही नहीं चल रहा है हाथों से खिला रही है, तो उसके हाथ में दर्द हो रहा है, मम्मी यही कहीं खिला देते हैं। भाभी पिट्ठू को थासा तो बिंदी बिंदी सिंदून वगैरह सब लेकर के आ रखी हैं। सोनाची इन सब चीजों में बहुत तेज है। दिन भर जाती है, खुले लाए कंगी में जा के। इसीलिए तो डॉक्टर भी बने हैं। अरे नहीं दर्द होगा, थोड़ा सा चीटी काटेगा। अच्छा मुझे कभी नहीं लगा, नहीं तो इस वाले हाथ में लग गया है उसका, ये लग रहा है इंजेक्शन चढ़ रहा है, सर दर्द दुखने लगे, वाला हाथ में स्वेलिंग हो गया, तो इस वाले हाथ में लगाना पड़ा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसके कारण। A few moments later. देखा कि हाँ कि तो सही हो गई, तो सभी नाले पानी वगैरह पीने थी, हमने देखा भी, मैं कुछ देर में आपको दिखाया, कुछ सी क्लिप आई थी दिल्ली की जो बना दी और मुझे कुछ भेजी थी क्लिप, तो उसी में आपको दिखा दिया हूँ। और मम्मी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, एक बहू को लेके आज बेटी का भी तबीयत खराब हो गया है, बड़ी दिक्कत। हमारी मम्मी को भी सहना पड़ रहा है, हॉस्पिटल देखना है, फिर कुमर को देखना है। वो हम भी बात किए थे शाम को, जब आए तो फिर रिपोर्ट के बारे में ब्लॉग देखे थे, तो पार्टी रिपोर्ट आने वाला था, तो फिर हम बात की, बोले नहीं अभी आराम है, डॉक्टर आएगा और इसके बाद अपना देखेगा, तो सब कुछ नॉर्मल ही है। फिर मम्मी से बात की, मम्मी थी अभी घबराने की बात नहीं है, पहले से उल्टी बुखार था वो आराम है, और इसको नारियल पानी पी रहे हैं, डॉक्टर बोला कि शाम को देखते हैं, ये कुछ खाते हैं, खाने के बाद फिर हम पानी नहीं चढ़ाएंगे, और नेक्स्ट दिन देखते हैं कैसा रिपोर्ट लेगा, तो फिर डिस्चार्ज करने के लिए बताएंगे। तो वही गाइस, घर में सब डिस्टर्ब हो गए हैं, और क्योंकि जानते हैं लाडली बहन है, छोटी बहन है, और